सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, किसने रॉयल साइंस बुक प्राइज 2019 जीता था? तो आंसर होगा कैरोलिन क्रियाडो ने, इनकी सेकंड बुक के लिए, जिसका नाम था इनविजिबल वुमेन एक्सपोजिंग डेटा बायस इन अ वर्ल्ड डिजाइन फॉर मैन के लिए। फिर है इंडिया एंड द नीदरलैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये जो बुक है इसको लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है? विनू राजामौनी ने, नीदरलैंड में भारतीय राजदूत हैं ये। फिर एक, किसे पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनाया गया? तो आंसर होगा राजीव सिन्हा को। भारत की सबसे पुरानी चिंपैंजी का अभी निधन हो गया था, उसका नाम पूछा गया है, तो आंसर होगा रीता। और इसी तरह से याद रखना, इसी साल भारत की आखिरी बनमानुष, उसका भी निधन हो गया था, उसका नाम था बिन्नी, और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। फिर है, भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो आंसर होगा नोएडा में, जो कि प्लास्टिक से बना हुआ है। अच्छा, उद्घाटन किया किसने, ये प्रश्न बनेगा, तो स्मृति ईरानी जी ने किया, जो कि हमारी कपड़ा व बाल विकास मंत्री हैं। फिर है, भारतीय नौसेना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मुंबई में किया गया, और उसका उद्घाटन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। फिर है, लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है संदीप शास्त्री ने, और इस साल इनकी 115वीं जयंती मनाई गई। वैसे महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई, और विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक की 100वीं जयंती, और गुरु नानक जी की 550वीं जयंती मनाई गई इस साल, ये भी याद रख लो। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को हम क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान का। फिर है, किस बैंक ने डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोडक्ट एक्सप्रेस FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है, और इसके MD CEO है अमिताभ चौधरी। फिर है, किसने गोबर का साबुन और बांस की बोतल को लॉन्च किया था? तो हमारे परिवहन मंत्री हैं और MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने। फिर है, कौन सा राज्य पूरी तरह से विद्युतीकृत राज्य बन गया है, यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है इसमें, मतलब हर जगह बिजली आ गई है हर घर में? तो आंसर होगा तेलंगाना में। बढ़ते आगे। फिर है, पहली फीडे विश्व फिशर रैंडम शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये चैंपियनशिप अभी नवंबर में ही हुई थी, तो आंसर होगा वेस्ले सो ने, ये USA से हैं। फिर है, किस विश्वविद्यालय में गुरु नानक पीठ की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा बर्मिंगम विश्वविद्यालय में। और शुरुआत किसने की? तो हमारे आवास व शहरी मामलों के मंत्री व नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं ये, हरदीप सिंह पुरी ने। फिर है, गरीबी को कम करने के लिए अभिजीत बनर्जी की लतीफ जमील गरीबी उन्मूलन लैब के साथ किस राज्य ने समझौता किया था? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। अच्छा, अभिजीत बनर्जी का नाम ही इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, बुक का नाम था क्या, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। और अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो और एक माइकल क्रेमर, इन तीनों को मिला था इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। फिर है, मिस एशिया ग्लोबल टाइटल 2019 का खिताब किन्होंने जीता? तो सारा दमनजनोविक ने, ये सर्बिया से हैं। फिर है, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने 2020 से 2024 के बीच भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया था? तो आंसर होगा 6.6%। फिर है, नौसेना अभ्यास कैरेट 2019 US और किसके बीच में हुआ था? तो बांग्लादेश और USA के बीच में। कैरेट मतलब होता है कॉरपोरेशन अल्फोर्ट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। फिर है, किस देश के राष्ट्रपति को 2020 में होने वाले हमारे गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में इन्वाइट किया गया है? कौन होंगे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति होंगे, जेयर बोल्सोनारो। फिर है, किस नदी में पहली बार कंटेनर कार्गो मूवमेंट होगा? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी में। कंटेनर कार्गो मूवमेंट मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना, ये पहली बार होगा ब्रह्मपुत्र नदी पे। और इसमें कहां से कहां सामान ले जाया जाएगा? तो असम के सदिया से घुबरी क्षेत्र को जोड़ा जाएगा बेसिकली। फिर है, ई कापा 2019 आर्ट फ्रॉम द हार्ट का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। और बेसिकली एक तरह की प्रदर्शनी है जहाँ पे दिव्यांग कलाकार अपने कौशल का, अपने स्किल्स का, जैसे कि ड्राइंग हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गया, उनको प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शनी लगेगी उनकी। फिर है, द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका में, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था ये। और भारत की तरफ से गए थे हमारे IT मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद जी। बढ़ते आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों में। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में जाकर के आप लोग भूल जाते हैं,
तो इसको शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं आगे, तो अब कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है मीराबाई चानू, इन्होंने अभी कतर इंटरनेशनल कप में जो छठवां संस्करण था उसका, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं। तो ये एक वेट लिफ्टर हैं और मणिपुर राज्य से ये हैं, और 2018 में इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान भी प्राप्त किया था, इनके साथ विराट कोहली को भी मिला था। और अभी 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला, दो खिलाड़ियों को, एक तो पहलवान बजरंग पूनिया है और एक पैरा एथलीट है दीपा मलिक। फिर एक किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया, तो आंसर होगा इथोपिया, और ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसको लॉन्च किया चाइना की मदद से। अच्छा, इथोपिया की बात करेंगे, एक तो कैपिटल याद रखो एडिस अबाबा है, करेंसी है बिर, प्रधानमंत्री का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम क्या है, अबी अहमद अली, 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। और प्रेसिडेंट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, सोहले वर्क जेवड़े, क्योंकि पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है ये इथोपिया में। फिर है फीफा ने किसे टीम ऑफ द ईयर चुना है, तो आंसर होगा बेल्जियम को। और अभी दो दिन पहले अपन ने पढ़ा था फीफा रैंकिंग आई है, उसमें भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसकी रैंक है 108, टॉप पे अभी भी है बेल्जियम, और इसीलिए इसे टीम ऑफ द ईयर चुना गया है बेल्जियम को। फीफा से दो पॉइंट हमेशा मैं आपको याद रखने को बोलता हूँ, एक तो हेडक्वार्टर याद रख लो, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। बेल्जियम की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल ब्रुसेल है और करेंसी यूरो है, और इसकी प्रधानमंत्री है सोफी विल्म, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है बेल्जियम की। फिर है यूनिसेफ के साथ महिला सशक्तिकरण के लिए साझेदारी किसने जारी रखने की घोषणा की है, तो आंसर होगा ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, और इसके CEO इसी साल बने मनु सानी। फिर है किसे नेशनल साइंस फाउंडेशन का निदेशक चुना गया, तो आंसर होगा सेथुरमन पंचनाथन को। फिर है फिच रेटिंग ने अभी वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर होगा 4.6%। फिर है टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स नाम की जो बुक है इसको भी रिलीज किया गया है, इसको किसने लिखा है, भारतीय प्रधान और राहुल अग्रवाल ने, और इसको रिलीज़ किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। फिर है नैस्कॉम ने किस कंपनी के साथ मिलकर के फ्यूचर स्किल नाम के एक प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा विप्रो के साथ मिलकर, विप्रो जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष अभी बने हैं अजीम प्रेम जी के बेटे रिशद प्रेम जी। नैस्कॉम की फुल फॉर्म भी याद रख लो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो ये प्रोग्राम है क्या, तो इसमें 10,000 इंजीनियरिंग के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर है किस राज्य ने फिट इंडिया वीक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। अच्छा, साथ में ये याद रखो आप कि फिट इंडिया मूवमेंट जो अभी मोदी जी ने ही लॉन्च किया था नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन, चलो आप मुझे ये बता दो नेशनल स्पोर्ट्स डे हमने कब मनाया और किन की याद में मनाते हैं। तो जब मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था किसको, शिल्पा अग्रवाल को, ये भी याद रखना। फिर है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस संगठन के वार्षिक समारोह को संबोधित किया था, तो आंसर होगा SOCHM, और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 trillion लाना है, ये लक्ष्य है हमारा, मतलब इस चीज़ को लेकर के ये विषय रहा था इस समारोह का। अच्छा, SOCHM की फुल फॉर्म क्या होगी, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। फिर है आरटेक, ये जो सेमिनार है इसके 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। आरटेक क्या है, ये हमारी इंडियन आर्मी है ना, उसकी एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक प्रोग्राम है। फिर है भारतीय तट रक्षक बल ने किस राज्य में प्रदूषण प्रतिक्रिया स्वच्छ समुद्र NW 2019 का आयोजन किया, तो ये किया गुजरात में, गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है वहाँ पे एक स्थान है वाडीनार, वहाँ पे ये किया गया। बढ़ते आगे, तो अब स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। अच्छा, आज आप लोगों को नई शीट मिली होगी स्टैटिक में, तो चलिए देखते हैं रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था, तो कौन है इसके आविष्कारक, तो आंसर होगा ओलिवर इवेंस। फिर है एडिसिव यानी कि जो ग्लू आती है चिपकाने वाली, उसका आविष्कार किसने किया था, मतलब देखो एडिसिव में अपन बात कर रहे हैं, वैसे तो काफ़ी समय से हम इसको यूज़ कर रहे हैं चिपकाने वाली चीज़ को, लेकिन आर्टिफिशियल एडिसिव की बात कर रहे हैं जो कि मार्केट में आई थी, जिस तरह से होता है ना फेविकोल, अब फेविक्विक वगैरह मार्केट में लेने जाते हो, तो मार्केट वाले की बात कर रहे हैं। और जो पहले मार्केट में आई थी सबसे पहले एडिसिव, वो आई थी सुपर ग्लू। तो ये बेसिकली एडिसिव एक तरह का कंपाउंड होता है जिसे कहते हैं साइनो एक्रायोलेट, वो होता है बेसिकली।
तो इसके आविष्कारक की बात कर रहे हैं तो आंसर होगा डॉक्टर हैरी कूवर। फिर है इलेक्ट्रिक एसी, इसको इन्वेंट किसने किया था या इसके डिस्कवर कौन है, तो आंसर होगा विलिस कैरियर। फिर है एडिसिव टेप, जैसे कि एडिसिव टेप आपको उदाहरण दूं तो जैसे सेलो टेप होती है, ठीक है, टेप भी होती है और वो चिपकाने का काम भी करती है भाई। एक तो ग्लू हो गया जो अपन ने ऊपर देखा फेविकोल टाइप में, और ये एडिसिव टेप हो गई है। तो एडिसिव टेप के आविष्कारक हैं रिचर्ड जी ड्रू। और बैंडेड, जो बैंडेड आती है ना, बैंडेड जब आप चोट लग जाती है तो बैंडेड लगाते हो, तो उसके आविष्कारक कौन है, तो अर्ले डिक्सन है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, आपसे पूछा है कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स है, सबको पता होगा। इनके अलावा एक और व्यक्ति हैं पॉल एलन, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, और इसके सीईओ हैं सत्या नडेला। फिर है एप्पल का हेडक्वार्टर, ये कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इसके सीईओ टिम कुक हैं। अच्छा, इसके फाउंडर की बात करेंगे तो इसके फाउंडर कौन है, तो स्टीव जॉब्स हैं, और इसके अलावा स्टीव वॉजनियाक भी इसके फाउंडर रहे। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, दो का नाम तो आपने सुना होगा, स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक, एक और व्यक्ति थे इसके फाउंडर, रोनाल्ड आर वेन, लेकिन ये कुछ समय बाद ही अपने शेयर बेच करके अलग हो गए थे, तो इनका नाम बहुत कम लोगों को पता होता है। फिर है गूगल, गूगल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएसए में है ये भी। फाउंडर इसके लेरी पेज, सर्जे बिन, ये सबको पता है। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, और अभी आपको याद होगा जो गूगल के सीईओ थे कौन, सुंदर पिचई, अब वो अल्फाबेट के भी सीईओ बन चुके हैं। फिर है फेसबुक का हेडक्वार्टर, ये आपका कैलिफोर्निया यूएसए में है, और इसके फाउंडर बोल दूँ या सीईओ बोल दूँ, दोनों मार्क जुकरबर्ग ही हैं। अमेजन का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है, और इसके भी फाउंडर और सीईओ दोनों जेफ बेजोस ही हैं। तो आप एक तरह से देख सकते हो तीन आपकी कंपनीज मैंने बताई, एक तो गूगल, एक एप्पल और एक फेसबुक, तीनों का हेडक्वार्टर साथ में याद रख लो कैलिफोर्निया में है, और माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वॉशिंगटन डीसी में है। बढ़ते हैं आगे, तो अब इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट डे हमारा है विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 19 जून को। फिर है वर्ल्ड मिल्क डे, हमने कब मनाया था, 1 जून को मनाया था, जिसकी थीम थी टुडे एंड एवरी डे। फिर है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये हमने 7 जून को मनाया था। फिर है वर्ल्ड साइकिल डे, वर्ल्ड साइकिल डे 3 जून को मनाया था। और ग्लोबल रिसाइकिलिंग डे की बात करेंगे तो 18 मार्च को मनाया था। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया गया। बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 12 जून को मनाया था। फिर है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये अपन ने 15 जून को मनाया था, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। फिर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये अपन ने 5 जून को मनाया था, जिसकी थीम याद रखो बीट एयर पोल्यूशन। और गोवा स्थापना दिवस, ये अपन ने 30 मई को मनाया था। अच्छा, जब भी गोवा की बात आती है दो इंपॉर्टेंट डे और बताता हूँ मैं आपको, एक तो गोवा मुक्ति दिवस, जो कि अभी इसी महीने 19 दिसंबर को मनाया गया था, पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था गोवा 19 दिसंबर 1961 को, और एक गोवा क्रांति दिवस भी मनाते हैं 18 जून को। तो गाइज, ये था आज का हमारा रिवीजन वाला वीडियो। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और कम से कम आप इसे अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर किया करिए। तो चलिए, आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, अब आप लोग टेस्ट लगाइएगा और ईमानदारी से चेक कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये टेस्ट एक्चुअली में आपकी वास्तविकता को बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए हैं और कितने में आपको डाउट रह जाता है। तो जिनमें डाउट रह जाता है उनको आप पक्के से याद कर लो, ताकि जो कच्चा वाला पार्ट है वो भी पक्के में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ रहे हो? तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने, इनके सॉल्यूशन मैं आपको कल बताऊंगा।